What's up guys, it's your boy Kratos and welcome back to another gameplay video of Son of the Forest. So यहाँ पे समर आ चुका है एंड यहाँ पे हम एक और केव में आ चुके हैं विजिट करने के लिए। मैं आपको एक एग्जैक्ट केव की लोकेशन भी दिखा देता हूँ। सो अब जो हम अगली सारी केव को एक्सप्लोर करने वाले, लास्ट टाइम भी हम इस केव के अंदर आए थे बट इस केव के अंदर हमारे पास तैरने का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था, तो उसकी वजह से हम वापस यहाँ पे गए थे। तो यहाँ पे हमें एक बुक दिखती है रेलम बियॉन्ड की एंड इस पे ऊपर तो मैंने एक कंप्लीट एपिसोड भी लेके आया था रेलम बियॉन्ड की इस बुक के ऊपर। सो चलते आगे एंड जो यहाँ पे मैप में जो मार्क दिख रहा है ना आपको ग्रीन कलर का, तो लास्ट वाले एपिसोड में लोग कह रहे थे कि उस केव को ओपन करने से वहाँ पे कोई एक बंकर जो है वो ओपन होगा। सो उसको हम जो है अगले एपिसोड में करने वाले। फिलहाल इस एपिसोड में जो है ना हम इस केव को एक्सप्लोर करने वाले जिस केव में हम पहले आए थे बट उस टाइम हमने एक्सप्लोर नहीं करा था उस केव को, तो उसके लिए सो चलो चलते हैं इस केव के अंदर। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं इस केव के अंदर। ये जो पीछे पानी का सोर्स दिख रहा है ना, हमें इस सोर्स के अंदर जाना है क्योंकि इकलौता यही पानी का सोर्स था यहाँ पे। बट यहाँ पे ये काफ़ी सारा सामान है, तो देखते हैं कुछ क्या पता हमें काम की चीज़ जो है ना इनसे मिल जाए। एक क्रॉस का है यहाँ पे बट क्रॉस में लगता नहीं हमारे लिए इतना यूजफुल होगा। इसके अंदर भी कुछ नहीं है एंड कुछ सामने की साइड भी आई है ऐसे थी ना यहाँ पे चेस्ट। एंड यस यहाँ पे एक चेस्ट है, रुको ठीक है। रोप्स थोड़े से पैसे मिल चुके हैं, चलो चलते हैं इस पानी के अंदर। वेट, काफ़ी ज़्यादा डार्क है, मैं काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा हूँ मेरे को ऐसे लग रहा है क्योंकि हमें नीचे ही जाना होगा। एंड यस मैं काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका हूँ बट चलो अब मेरे को फाइनली थोड़ा सा रास्ता दिख रहा है। एंड कुछ यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन दिख रहे हैं, आई गेस वो भी उन्होंने भी यहाँ पे आने की कोशिश करी बट शायद से वो लोग यहाँ पे मैनेज नहीं कर पाए इतना अंदर आने का एंड उससे पहले जो उनकी डेथ हो गई। बट क्या ऐसे कुछ ब्रीथ करने के लिए हमारे पास डिवाइस है ना, ऐसे कुछ डिवाइस उन लोगों के पास नहीं है, ये मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। ओके मेरे को एक बार को लगा मैं एग्जैक्ट वही जगह पे वापस आ चुका हूँ। एंड यस देखो पानी के अंदर डूब के ना ये मर जाते हैं बट वो थोड़ा सा यहाँ पे पानी जो है ना थोड़ा गहरा होना चाहिए तभी मरेंगे ये, ठीक है। इनको तो मार देते हैं, ये कुछ सामान था ना, यस एक एयर टैंक। ओके मेरे को एयर टैंक मिल चुका है एंड इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे। वेट यहाँ पे भी एक रास्ता है क्या, इधर सामने भी रास्ता था क्या जितना बड़ा एरिया था। एंड यस यहाँ पे भी रास्ता है भाई, यहाँ पे दो रास्ते हैं। रुको यहाँ पे कुछ तो बना रखा है, कोई आइडिया नहीं मेरे को कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे कुछ तो स्पेसशिप है शायद से, ये जो है कैनिबल्स या म्यूटेंट जो है। भाई ये काफ़ी ज़्यादा नीचे, भाई इससे तो मैं ऊपर तैर के नहीं आ सकता, यहाँ पे भी कोई ना कोई एक रास्ता होना चाहिए। बेटा कहाँ है ना मुझे, ओके यहाँ पे मुझे एक दिख रहा है रास्ता। कुछ और लाइफ जैकेट्स हैं बट लाइफ जैकेट्स को ना हम यहाँ पे इक्विप नहीं कर सकते। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेड बॉडीज देखने को मिल रही है, मैं अभी तक जितनी बार आ चुके हैं ना सो काफ़ी ज़्यादा डेड बॉडीज है। एंड को ये डेड बॉडीज थोड़ी सी अलग है ना, ये वो सोल्जर्स नहीं जो सोल्जर्स हमें बाहर देखने को मिले थे, ये कोई टाइप के तो मेरे को ना प्रीस्ट लग रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो है ना ड्रेस पहन रखी है ना, सो मुझे ऐसा लग रहा है हम ओके हम इधर से ही आए हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये उनमें से शायद है कोई, क्योंकि देखोगे इधर भी प्रीस्ट ही है एंड ये वो प्रीस्ट, ये वो सोल्जर्स नहीं है जो हमें सोल्जर्स देखने को मिले थे पहले। एंड को यहाँ पे कुछ तो है बट यहाँ पे किसी चीज़ को प्रे कर रहे हैं, ऊपर एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है तो शायद से ना इस गेम के अंदर एलियंस भी जो ऐड कर सकते हैं। एंड वेट नाइट विजन गोगल्स कलेक्टेड, वेट नाइट विजन गोगल्स मेरे को मिल चुके हैं एंड बाइनोकुलर्स मेरे को मिल गए थे लास्ट। ओके तो केव लाइट के चलते यहाँ पे इसको तो यूज़ करना भाई पॉसिबल ही नहीं है। मैं इसको हटाऊँ कैसे अब, ठीक है अनइक्विप का भी यही ऑप्शन भाई केव वो तो मेरे को अच्छे हैं अभी तक नहीं लगे। हम किधर से आए हैं, ओके तो यहाँ पे ये स्पेसशिप था, ओके तो हमें इधर की साइड मूव करना है। देखो कितने सारे यहाँ पे वर्कर्स सोल्जर्स को हैंग कर रखा है इन्होंने एंड ये कुछ तो प्रे कर रहे हैं यहाँ पे। ओके यहाँ पे वैसे है क्या चीज़ यार, सारी केव में लास्ट वीक केव में हमें एक शवल देखने को मिली एंड यहाँ से भी दो रास्ते दिख रहे हैं। ये वाला रास्ता कहाँ जाता है, इस वाले रास्ते को बार जरा मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर देखता हूँ। ओके
ओके ये रास्ते में तो मेरे को यहाँ पे कोई भी म्यूटेंट्स भी नहीं दिख रहे हैं। ये रास्ता एग्जैक्टली जा कहाँ रहा है? वेट, यहाँ पे वेट, ये क्या चीज़ है? इनको हम किसको ब्लास्ट नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे कोई तो एक टाइप का गेट है, बट वो गेट इन चीज़ों से ब्लॉक्ड है। ओके थोड़ी सी और रोप्स और आगे चलते हैं। एंड यहाँ पे वही जो गोल्डन गोल्डन चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी ना, वही गोल्डन चीज़ें यहाँ पे भी देखोगे हर तरफ। ये गोल्डन बैग आगे ऐसे वॉल्स बना रखे, पता है गोल्डन गोल्डन चीज़ों से। ओके एंड वो क्या है इसके अंदर? यार तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा। वेट व्हाट इज दिस? यहाँ पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म बना पड़ा है इस गोल्डन जैसी चीज के साथ। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि यार मुझे कुछ ऐसा जो है देखने को मिलेगा यहाँ पे। एंड को यहाँ पे कुछ तो वॉल्स है भाई, ये केव के अंदर आखिरकार है क्या चीज यार ये तो। एंड भाई ये एरिया आप देख रहे हो कितना बड़ा एरिया है भाई, इतना अंडरग्राउंड वो भी। एंड ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और प्रीस्ट को मार रखा है, एमो उठाते प्रीस्ट से। वैसे प्रीस्ट कह रहा हूँ तो मैं गलत भी हूँ, ये प्रीस्ट ना हूँ। वेट यहाँ पे भी कुछ तो अजीब चीजें दिख रही है भाई, यहाँ पे भी देखोगे तो हर तरफ ये गोल्डन गोल्डन जो है यही हमें देखने को मिल रहा है। एंड इस पूरी केव के अंदर यही गोल्डन एलिमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ से चलो चलते हैं आगे। एंड भाई वॉल्स यहाँ पे इन गोल्डन, ये ख्याल से ना जो यहाँ पे और हमें देखने को मिल रहे थे ना, ये वही ऑर्ब्स हैं सारे। ओके तो इधर बस हमें कुछ चेस्ट है, ऑलरेडी मेरे पे सारा सामान है तो मैं इनको उठा भी नहीं पाऊंगा चेस्ट को। वो कुछ यहाँ पे मेरे को ये ब्रीथर्स मिले, इनकी काफी ज्यादा जरूरत है। ओके सो वापिस से पानी के अंदर आ चुका हूँ। एंड आई गेस मेरे को यहाँ पे पानी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मैं पानी के ऊपर से भी जो है ना यहाँ पे काम जो है चला सकता हूँ। एंड यहाँ पे देखो ये जो ओर है ना, मेरे को लग रहा है इन्हीं ओर से ये पूरा का पूरा जो बेसमेंट है ना ये बना रखा है। एंड भाई ये एरिया पूरा पूरा इस गोल्डन ओर से यहाँ पे बना पड़ा है। आई गेस अब मेरे को शायद पानी के अंदर जाना पड़ेगा। यस पानी के अंदर रास्ता है, बट विजिबिलिटी ना थोड़ी सी कम है। देखो इधर अगर विजिबिलिटी थोड़ी सी और अगर आती ना तो बढ़िया रहता, ताकि हम पानी के अंदर भी ना चीज़ों का एक्सप्लोर कर सकें। मैं मानता हूँ यहाँ पे हम काफ़ी अंडरग्राउंड है, यहाँ पे लाइट का कोई सोर्स नहीं है, सो वाटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे डार्क होगा जरूर, बट थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर होना तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ओके सो एंड यहाँ पे ह्यूमंस आए नहीं, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमंस मेरे को दिख नहीं रहे, सो उस चीज़ की वजह से मैं कह रहा हूँ। भाई तो कोई नया टाइप का म्यूटेंट है भाई, इनकी स्पीड। एंड भाई ओ बेट ओके वी मैनेज टू किल ऑल ऑफ देम। ये इधर राइट से आए ना, आई गेस राइट में ही रास्ता है, यहाँ राइट में ही रास्ता है। वेट यहाँ पे कोई तो एक बंदा है जिसने एस्ट्रोनॉट वाले सूट्स क्यों पहन रखे हैं यार, इसको निकाल देता हूँ क्या? ओके इसको तो नहीं निकाल सकता, बट ये आ गया अभी। एंड भाई ये स्पाइडर वाले म्यूटेंट्स, इनके स्पीड ला जवाब है भाई। ओके सो थोड़ा और केव के अंदर आ चुका हूँ। एंड यहाँ पे अब कंप्लीट मेरे को ना वॉल्स देखने मिलते हैं, पूरा एरिया निकाल था इसी चीज से देखो सपोर्टेड है। ये इसका मिडल एरिया हो गया एंड ये सारे सारे पिलर्स। वेट यहाँ तो ये काफी सारे हैं यार ये, व्हाट इज इन द वर्ल्ड हैज हैपेंड ओवर हियर को पूरा एरिया। इस और को ये पूरा का पूरा एक गोल एरिया यहाँ पे है ना, यस हाँ ये पूरा पूरा देखो तो गोल एरिया ये। एंड को देयर इज समथिंग ओवर हियर, व्हाट इज दिस? इसको मैं इक्विप कर सकता हूँ बट ये क्या चीज है? वो एड नहीं जो भी चीज है गाइस,
एंड इसको मैं इक्विप कर लूंगा, एक बार पूरा एरिया जो है ना एक्सप्लोर करता हूँ, इसको इक्विप तो मैं कर ही लूंगा। मेरे को ऐसा लग रहा है इसको इक्विप करने का कोई यहाँ पे बैटल स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके का एरिया है ना ये। सो एक बार मैं इस पूरे एरिया को जो है ना थोड़ा एक्सप्लोर कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरे को फिलहाल आजकल कुछ और चीज़ें नहीं मिली, बट यहाँ पे सोल्जर जो है ना ये सारे सारे यहाँ पे इस चीज़ को ना प्रे कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखो ना। एंड जिन्होंने नहीं कराया गया उनको मार दिया गया। चलो इस चीज़ को इक्विप करता हूँ, मुझे आइडिया नहीं कि ये क्या चीज़ है। एंड यस एंड गोल्डन आर्मर कलेक्टेड, कुछ तो यहाँ पे मैंने गोल्डन आर्मर जो है कलेक्ट कर लिया। वेट, क्या मैंने उसको इक्विप भी कर रखा है क्या, मेरे को आइडिया नहीं। रुको अपनी इन्वेंट्री चेक करता हूँ ये है क्या चीज़। आर्मर सारे यहाँ पे दिखते हैं मेरे को, ये रहा एक गोल्डन आर्मर, टैक्टिकल सूट ही बस मेरे को दिख रहा है। कोई इसको वेयर करता हूँ एक बार, मैंने गोल्डन आर्मर वेयर तो कर लिया ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मेरे प्लेयर ने हाथ जो है चलाए, सो ऐसा लग तो रहा है गोल्डन आर्मर मैंने यहाँ पे पहन लिया है। बट अब यहाँ से निकला कैसे जाएगा भाई, क्योंकि मैं जिस तरीके से ऊपर से गिर के आया मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई रास्ता तो नहीं है ना इसको यूज़ करने के बाद। रुको वेट, वहाँ कुछ चीज़ तो ग्लो हुई। ओके तो ये सिंपली एक लाइट है जो ग्लो हुई है यहाँ पे। वैसे प्लेस भाई काफ़ी अच्छे तरीके से, इसको वेल डिजाइन कहूँगा मैं इस जगह को जो बना रखा था ना, इसको काफ़ी अच्छी तरह। एक काम करते हैं यहाँ पे गाइस, मैं एक छोड़ो छोड़ो यहाँ पे स्क्रीनशॉट में बाद में ले लेंगे इसके थंबनेल के लिए। आओ बाहर निकलते हैं एंड देखते हैं क्या पता यहाँ पे कोई और रास्ता जो है ना वो अनलॉक हुआ। तो मेरे को ना थोड़े कोने ज़्यादा देखने पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी उस कोने के अंदर से हमें मॉन्स्टर देखने को मिला था, जहाँ से मैं जो एस्केप रास्ता था ना वो दिखा था हमें। वैसे यहाँ पे चलो ऑक्सीजन लेवल भी अभी काफ़ी अच्छा खासा है, यहाँ पे मार्कर दिख रहा है ऑक्सीजन लेवल का। वेट, क्या मैं वहीं आ गया क्या तैर के, क्यों मेरे को वहाँ भी एक दिखा था ऐसे ही। चलो चलते हैं यहाँ से बाहर निकलते हैं थोड़ा। ओके तो यहाँ से तो ऊपर जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक रोप दे रखी है, तो मतलब रास्ता जो है ना इसके थोड़ा से पीछे की साइड ही होगा कहीं पे, तभी इस रोप को ऐड करा, अदरवाइज इस रोप को यहाँ देने का कोई ऐसा मतलब नहीं है। एंड जो बड़ा सा एरिया था ना यहाँ पे नीचे में प्लेटफॉर्म देखने को मिला था, मेरे ख्याल से वहीं कहीं से एस्केप हुआ, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा एरिया है तो वहाँ पे चांसेस हैं। एंड आई गेस मैं भी उसी जगह पे हूँ ना। तो मरा नहीं गया ये, इनको लग नहीं रही। ओके अब लगी, इस साइड तो कुछ भी नहीं है। एंड यस ये रहा वो पानी वाला पूरा प्लेटफॉर्म। यहाँ पे किसी चीज को तो इसने होल्ड कर रखा है, चलो फिलहाल तो मेरे को लग रहा है इधर की साइड ही रास्ता है। आई गेस इधर रास्ता नहीं है मेरे को ऐसे लग रहा है, क्योंकि देखोगे इधर कुछ भी मेरे को नहीं दिख रहा। सो ये वो एरिया नहीं है जहाँ पे रास्ता है। यहाँ पे केव के अंदर एंटर करने से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ से एस्केप करना थोड़ा मुश्किल रहता है। स्टार्टिंग वाली केव्स में डायरेक्ट रास्ता दिया है, बट इन केव्स के अंदर मेरे को डायरेक्ट रास्ता नहीं दिख रहा जिससे मैं इन केव को जो है ना एग्जिट कर सकता हूँ। कि मैं इधर वाले रास्ते से आया हूं, ओके आई गेस इधर की साइड एक सामने रास्ता था ना, यस ये वाला रास्ता। यस यहां पे एक रास्ता है, ये देखो काफी पतला सा रास्ता है, बट हाँ एक रास्ता है।
मेरे को ऐसा आइडिया नहीं कि एस्केप है भी या नहीं, रुको यहाँ पे कुछ और प्रीच, तो मतलब मैं थोड़ा तो सही रास्ते में जा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ ऐसे ऐसे दिखे ना तो मतलब समझ जाओ। वेट, वापिस से पानी यार। ओके चलो आगे सीधा है यहाँ पे, मेरे को लगता तो वापिस से पानी के अंदर जाना पड़ेगा। ये पानी के अंदर ना क्लियर व्यू आ नहीं रहे। वेट, ये साउंड किसका था? भाई उनकी स्पीड स्पीड तो अच्छी होगी, ये तो मानना पड़ेगा। बट क्या इस केव के अंदर सिर्फ ये गोल्डन आर्मर ही है क्या, इसके अलावा कुछ और भी चीजें? क्योंकि केव है ना, काफी बड़ी केव है। एंड मुझे पता है गाइस एपिसोड लंबा जरूर हो रहा होगा। इधर कुछ और लोगों को यहाँ पे हैंग कर रखा है। यस, ये एंट्रेंस थी ना। यस आई गेस मैं इधर से ही तो आया था, इस पानी के अंदर से तैरता हुआ। बट चलिए, इधर तो मेरे को एस्केप नहीं दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से और पीछे आना पड़ेगा मुझे। भाई रास्ता कहाँ है? इधर तो रास्ता दिख ही नहीं रहा मुझे। नीचे है क्या? वेट क्या, इधर तो भाई रास्ता ही नहीं दिख रहा बिल्कुल। रुको, मेरे ख्याल से मैं इससे ज़्यादा दूर जा भी नहीं सकता हूँ। वेट यार, क्योंकि मैं कहाँ से गिरा था? मैं कहीं ऊपर से गिरा था ना, ऊपर से नहीं आई इसमें, इससे गिरा था। तो इधर से तो मैं निकल भी नहीं था भाई, इस वाली को तो हालत ख़राब हो गई। ओके सिंपली एक पानी था, मैं गलत इसके अंदर गया। मेरे ख्याल से रास्ता ना पीछे ही कहीं है, वही तो एरिया है जो मैंने मिस करा है आई गेस। मेरे को थोड़ा सा दीवारों की तरफ दिखना पड़ेगा। वेयर इज द एस्केप? कहाँ है भैया एस्केप रास्ता? मेरे ख्याल से मैं अभी इसी रास्ते से आया हूँ ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई? केव ना काफी बड़ी बुल रही है। ओके नहीं, इस रास्ते से नहीं आया मैं, अदरवाइज मैंने इन रोप्स को जरूर उठाया होता। बट इस चीज़ को देख के लग रहा है मैं इधर से आया हूँ। यस, मैं इधर से ही आया हूँ भाई। मैं इस केव के अंदर थोड़ा सा गुम सा हो रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो मैं घूम के वापस से इसी एरिया में आ चुका हूँ। मैं काम करता हूँ, पूरे एरिया को जरा एक्सप्लोर कर देता हूँ। यहाँ पे एस्केप जो है ना, किधर की साइड है? फॉर सम रीजन गाइज, यहाँ पे मेरे को रास्ता नहीं दिखा। पीछे जो तीनों टनल्स थी ना, तीनों टनल्स का रास्ता जो है वो तो इधर ही आता है आई गेस। जहाँ से मैंने इस सूट को उठाया ना, इस आर्मर को, उधर ही कहीं से हमें रास्ता मिलना चाहिए। देखो एस्केप का क्या, इधर कुछ है जो ऐसा जो मेरे से छूट रहा हो? नहीं, इधर तो कुछ नहीं लग रहा है। सो एक बार वापस उस एरिया में जाता हूँ ना जहाँ पे मेरे को ये सूट मिला था, क्योंकि देखो भाई एस्केप रास्ता ढूंढना पड़ेगा। एंड गाइस, ये एपिसोड आप लोगों को थोड़ा सा लंबा जरूर लग रहा होगा, क्योंकि भाई एपिसोड थोड़ा लंबा है ये। सो मेरे ख्याल से मैं उस तक एंड तक तो आ चुका हूँ। बट मेरे को जिस तरीके से लग रहा है यहाँ पर रोप दे रखी है उन्होंने, सो डैट्स मीन्स कि यहाँ पे रास्ता होगा। पता है पीछे की साइड ही रास्ता कहीं तो होना चाहिए। एंड जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, मैं यहाँ पे गूगल करके आता हूँ, क्योंकि वो एक ऑप्शन दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। वेट, यहाँ पे एक रास्ता और है क्या? ओके तो इस वाले में बॉक्स देते ना। तो गाइस मैं गूगल करके आता हूँ इसका रास्ता है का, वरना मैं इस केव से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। A few moments later. तो गाइज यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ जगह पे मैंने गूगल पर सर्च मारा, तो जो लास्ट एरिया जहाँ से हमें केव मिली थी ना, तो उस केव के पास ही जो है ना हमें वहाँ पे एस्केप रूट भी दिखना चाहिए। तो वापस मैं पीछे जा रहा हूँ। लेट्स डाइव अंडर। भाई
देखो भाई डेवलपर से एक चीज़ है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना आप इसको थोड़ा ठीक कर सकते हो आई गेस यार, क्योंकि केव लाइट के बाद मेरे को अगर ऐसा दिख रहा है तो मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे बिना केव लाइट के तो मेरे को लगता नहीं है कुछ भी यहाँ पे जो है ना पानी के अंदर विजिबल होगा। ओके सो बाहर आ चुके हैं आई गेस, यहाँ पे वापिस से वो स्पॉन तो नहीं हुए होंगे वो स्पाइडर्स। देयर वी आर, तो यहीं पे कहीं तो रास्ता है। वेट नो भाई, इतना इजी नहीं होता। यहीं पे एक रोप थी जिस रोप से हम क्लाइंब करके आउट होंगे शायद से। इट वॉज भाई इन फ्रंट ऑफ माई आईज, मैं तब भी यहाँ पे बेवकूफों की तरह जो था पूरी केव को एक बार और जो है एक्सप्लोर करके आ गया। चलो यहाँ पे डैमेज नहीं पड़ा हमें, डेट्स प्रीटी गुड। आई थिंक यहाँ पे डेवलपर ने सोचा नहीं होगा कि कोई यहाँ से गिर के डैमेज जो है ना लेगा। चलो वापस पर चलते हैं भाई, थोड़ा सा यहाँ पे गलत कीज प्रेस होने की वजह से हम वापस इसी गिर गए थे। ओके अब कहाँ जाना, ओके बोरी यहाँ पे एक रोप्स और है तो डायरेक्टली बस हमें सिंपली इन रोप्स के ऊपर से हमें जो ना बाहर निकलना था। एंड भाई यहाँ पे मेरे को रेस्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो मेरा रेस्ट मीटर है देखो तो रेड हो चुका है बिल्कुल रेस्ट मीटर। बाकी फूड और वाटर का तो हमारे क्योंकि वाटर काफ़ी ज़्यादा था यहाँ पे एंड फूड तो मैं अपने साथ काफ़ी सारा लाया था तो वो मीटर यहाँ पे जो अभी फिलहाल फुल है, बट यहाँ पे मेरे को इसका मीटर का भी कुछ करना पड़ेगा। एंड भाई ये काफ़ी बड़ी रोप है यार, काफ़ी टाइम हो गया इस रोप को मैं ऊपर चढ़े जा रहा हूँ। ओके तो कुछ तो मेरे को एस्केप दिखा यहाँ पे अब। ओके तो यहाँ पे एक और रोप भाई, एस्केप तो डेवलपर्स ने काफ़ी एक अच्छा एस्केप डाला यहाँ पे रोप से सीधा क्लाइंब आउट करके बाहर जाने का, बट आइए इसी चीज़ को उल्टा भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, जिसको लोकेशन मालूम हो तो वो रोप से क्लाइंब डाउन भी तो कर सकता है। मैं देखना चाहूँगा बाहर केव के बाहर से क्या मैं इन रोप्स का यूज़ करते हुए अंदर आ सकते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कुछ भी जो अभी तक फिलहाल जितना आए कि वापस नहीं जा सकता मैं नीचे। क्योंकि जितना लंबा रास्ता वो है ना उससे तो काफ़ी छोटा रास्ता है, यही होगा पीछे। कुछ और ऑक्सीजन टैंक, ओके ऑक्सीजन टैंक ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारे है ठीक है। एक यही रास्ता मेरे को जहाँ भी सामने का दिख रहा है मैं उधर ही जा रहा हूँ, क्योंकि विजिबिलिटी उतनी अच्छी है नहीं इस पानी के अंदर। आई गेस अब बाहर निकल सकता हूँ मैं, यस तो बाहर निकल चुका हूँ। चलो ये पानी वाला भी हम वापस से उल्टा कर सकते हैं। कुछ और यहाँ पे मुझे मूवमेंट, एंड एक रोप और भाई हम कितना नीचे आ गए हैं, निकालते चौथी रोप होगी शायद ये हमारी। एंड ऐसा भी नहीं कि रोप्स काफी छोटी छोटी रोप्स है, काफी लंबी लंबी रोप्स को हम क्लाइंब करके ना बाहर निकल रहे हैं। एंड ये वाली रोप भी काफी लंबी है क्योंकि मेरे को अभी तक ऊपर इसका एंड नहीं दिख रहा है। एंड भाई यू आर टायर्ड का मैसेज आना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। एंड क्या केव को एस्केप कर पाएंगे या फिर अभी भी मेरे को कुछ और रोप्स को जो है ना क्लाइम करना है। ओके तो ये जो है ना इस चीज़ की वजह से शायद से हम वापस इस रास्ते से नहीं जा सकते हैं। अदरवाइज अगर ये वाला रास्ता नहीं दिया होता ना डेवलपर्स ने यहाँ पे तो उल्टा आने में यहाँ पे ज़्यादा फायदा रहता है, काफ़ी जल्दी जो था ना हम इस आर्मर को जो है यहाँ से लेके जा सकते हैं।
एंड देखते हैं भाई इस आर्मर का क्या फायदा रहेगा। आई गाइस ये जो येलो बार एक आया है ना, ये इस आर्मर का ही शायद से हेल्थ है। चलते हैं बाकी केव, ऐसा भी खत्म नहीं हुई। मैं काफी नीचे की साइड स्लाइड करता हुआ आया हूँ। एंड अब मैं कौन सी जगह पे आ गया हूँ ये भाई? सीरियसली यार, ये केव बहुत बड़ी केव है यार। तो यहाँ से रास्ता मेरे को दिख तो रहा है, ये कौन सा रास्ता है? ये तो फुल कोई यहाँ पे एंट्रेंस वाला एरिया लग रहा है जिस तरीके से इस चीज को बना के रखा हुआ है ना। देर भी को यहाँ पे वापस से मुझे जो है दो रास्ते दिखते हुए, तो सामने कुछ ग्लोइंग ऑब्जेक्ट है इस वाले रास्ते पे। आओ इसी वाले रास्ते से चलते हैं भाई। ऐसा तो नहीं मैं घूम के जो है वापस उधर ही आ गया हूं? भाई बिल्कुल आइडिया नहीं मैं कहां जा रहा हूं। यह मेरे को वापस से लग रहा है, पता ये अंदर की साइड ही रास्ता है। अगर ऐसा हुआ तो भाई काफी ज्यादा टाइम जो है ना मेरा इन्हीं चीजों में निकल जाएगा। मैं भाई काफी डीप आ चुका हूं भाई स्विम करता हुआ। पर मेरे को रास्ता नहीं दिख रहा है, ये पता नहीं कोई तो रास्ता है। ठीक है, एक रोप है क्या? ओके तो ये चलो कोई एक दूसरा रास्ता दिखा। बट यहाँ पे इस सोफे पे एक बैठ रखा है, चलो बाहर चलते हैं। ओके आई गेस मेरे को एग्जिट मिल गया, एग्जिट मिल गया आई गेस, यही इस केव का एग्जिट है। पहले बाहर जाऊंगा। ओके यस, यही इस केव का एग्जिट है गाइस। फाइनली हमें इस केव का जो है ना एग्जिट मिल चुका है। एंड इस केव का एग्जिट, ओके इसके एंट्रेंस के पास में ही था इस केव का एग्जिट भी। नहीं रुको, आई गेस ये मैं दूसरी केव में आ चुका हूँ। वेट, मैप खोलने दो मुझे एक बार। लेट मी क्लोज द केव लाइट फर्स्ट। तो कोई मैं कौन सी केव पे आ चुका हूँ? ओके गाइस, तो हम गए थे, मैप थोड़ा कंफ्यूज हो चुका हूँ मैं कौन सी केव में आया था। ठीक है, मैं इस वाली केव में आया था हमारे सामने। एंड इसके बाद हम इस वाली केव से एस्केप करें, तो इस तरीके से यहाँ पे एस्केप रूट बना रखा है। चलो गाइस इस वाले एपिसोड कहीं पर रैपअप करते हैं। एपिसोड यूजुअली एपिसोड से थोड़ा लंबा हो जाए, काफ़ी बड़ी केव को हमने एक्सप्लोर करा है। मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में। अगर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड साथ में चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।